रोहन स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.2। अब अगेन से जो 9.1 था वो हमने पहले पढ़ लिया है, आज हम दोबारा से रिपीट करेंगे सारा के सारा। जो एल्जेब्रिक रहता है हमारे पास क्वेश्चंस में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो वेरिएबल से रिलेट करते हैं, तो आज हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कभी भी हम प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो हम वेरिएबल्स के ऊपर पढ़ेंगे, जैसे कि हम रिप्रेजेंट कर देंगे पर्सन को, जैसे बॉय को भी और किसी भी ऑब्जेक्ट को वेरिएबल से कंपेयर करते हैं या मानते हैं उसको। जैसे चार टाइप के ऑरेंजेस हैं, जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ए माना तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो मैं 8 ए लिख सकता हूं। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 2a से। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2a मल्टीप्लाई 8a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब वेरिएबल सेम होंगे 2 16 आया, जब भी सेम होंगे तो हम उनके एक्सपोनेंशियल पावर को ऐड कर देंगे, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया है। अब हमें मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल से पार्ट्स हैं 4 7 p। सिंपल क्वेश्चन है 4 × 7 p दैट इज 28 p। आंसर आ गया हमारे पास। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, हम कुछ एक पार्ट कर लेते हैं इसके। तो जैसे आ गया -4p और 7, तो -4p × 7p दैट इज 28 p स्क्वायर। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। उसके बाद आ गया -4p 7p³। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो -4p × 7p³, तो माइनस का 28 आ गया, पी और पी दो बार है, तो पी स्क्वायर क्यू आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारे पास, अब वो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, लिखा मैंने 4p³ - 3p। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 = 12, ये p की पावर 3 थी और यहाँ p की पावर 1 है, तो दोनों को ऐड किया, p² = 4 हो गया। आफ्टर हमने जो 4p × 0 किया तो आंसर 0 आता है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है वो करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो वैल्यूज लिखे हैं इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, फर्स्ट लिखा पी और क्यू, तो जो लेंथ होगा वो पी आ जाएगा और ब्रेथ क्यू आ जाएगा। जैसे ही मैं एरिया निकालूंगा तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ पी मल्टीप्लाई क्यू हो जाता है। तो इसके पार्ट्स रहते हैं, वो पार्ट्स मैं लिख रहा हूं, वो पार्ट्स हैं 10 m, 5 m और 20x² 5y² और 4x 3x² एंड लास्ट रहता है वो है 3mn एंड 4np। तो ये जो पार्ट्स बचे वो सारे के सारे मल्टीप्लाई करके आप लोग राइट करोगे और आंसर निकाल देंगे। थैंक यू।